जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज यानी कि MES ड्राफ्ट्समैन एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से इस भर्ती का वेट कर रहे थे, अब भर्ती फाइनली आपकी अनाउंस हो चुकी है और आपको आपकी डेट भी दी जा चुकी है, यानी कि आपको पूरी जानकारी यहां से मालूम हो जाएगी। अभी मैं आपको यहां पर ये जानकारी यहां से थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूं, बट अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको ये पहली वेबसाइट ओपन करनी है, फिर यहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब या फिर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो यहां पर आप इस भर्ती के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो आप लोग इस फॉर्म को 22 मार्च 2021 से लेकर के 12 अप्रैल 2021 तक भर पाएंगे। एग्जाम डेट आपकी 16 मई 2021 रखी गई है। एडमिट कार्ड भी आपका मई के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन फी तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, जो कि 12 अप्रैल 2021 तक काउंट की जाएगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। फिर दोस्तों बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो ड्राफ्ट्समैन पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा मांगा है। मैं अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर के जाऊं तो आप यहां पर डिटेल्ड में देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर यहां पर आपसे डिप्लोमा मांगे जो कि आपने आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में किया हो और साथ ही आपसे डिजायरेबल रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो तब भी आप ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बट जो आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट है इस पर आपसे मास्टर डिग्री मांगी है इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, जो कि डिसिप्लिन आपको यहां पर मेंशन करके रखे हैं, और साथ ही आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि आपका अकाउंट्स इन स्टोर और इन ए कंसर्न ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली जो ये जो एक्सपीरियंस है ये कंपलसरी रूप में मांगा है, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए और साथ ही एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सैलरी आपको इस पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये दी जाएगी और टोटल आपके 502 पद निकाले हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अब बात करते हैं फॉर्म फिल प्रोसेस के बारे में। ये आपका अप्लाई लिंक है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो वही पोस्ट आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफाइड रिटर्न एग्जाम सेंटर यानी कि आपके सामने जो लोकेशन दी जा रही है इनमें आप कौन सी सिटी को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो अपने एग्जाम के लिए, तो कोई 3 सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर है स्पेसिफाई कमांड प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आप 6 प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है, जैसे कि ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, तो इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस चूज कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी सेम तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से आपको ये सभी चूज करनी होगी। चूज करने के बाद नीचे आती है पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार पूरा लिखना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है और ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। जो आपकी माताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ से यस कर देते हैं और यस करने के बाद जो आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है। अगर आप मैरिड या विडो या फिर डिवोर्स सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने जो जीवन साथी है या फिर जो आपके पति है उसका नाम देना होगा। नेशनलिटी में यहां पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेना है और टाइप ऑफ आईडी प्रूफ, तो यहां पर दोस्तों आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाह रहे हो वही आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होना जरूरी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है वही आईडी का नंबर आपको यहां पर आईडी प्रूफ नंबर के अंदर लिख देना है। इसको लिखने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है वो आपको यहां पर देना है। अब ये चाहे मार्क कैसा भी है आपको उसके बारे में लिख देना है। अगर 2 मार्क है तो दोनों को यहां पर लिख दीजिए, पहले एक फिर इसके बाद दूसरा। अगर दूसरा मार्क नहीं है ढूंढने के बाद में तो आप यहां पर 9 मार्क लिख दीजिए। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाह रहे हैं जो कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलती है। मैं आपको बता दूं आप इसमें तभी यस करें अगर आपकी ओवर एज हो चुकी है और आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट है, अन्यथा आप इसमें नो कर दीजिए। अगर आपको एज की छूट नहीं चाह रही है, आप अभी अंडर एज नहीं हुए हो।
रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वही कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं अभी यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एससी सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर हम आप यहाँ पर ओबीसी करेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली जो आपकी कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है और ये कैटेगरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार करनी है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। यानी कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी या ओबीसी का तो सेंट्रल का होना चाहिए। आपकी जो भी कैटेगरी है जिस भी स्टेट से आप हो वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आर यू ए पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, बेसिकली कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आर यू एन एक्स सर्विस मैन, कि आप एक्स सर्विस मैन हो, अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल होता है, मेरे सामने ये एप्लीकेबल नहीं है। आर यू ऑलरेडी सिक्योर्ड इंप्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर, अगर आप किए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस इन डिफेंस अगर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पर ऊपर यस करने के बाद ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, तो अभी एक्टिव नहीं है। इसके बाद डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर डिफेंस पर्सनल, अगर आप इसके तहत जो रिजर्वेशन है उसके लिए क्लेम करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो एक मेधावी खिलाड़ी होते हैं क्या उसके लिए आप क्लेम करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपको तभी करना है जब आपके ऊपर ये ऑप्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल से आंसर है जिनका आप आंसर कर सकते हो कि हाँ मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ या फिर नहीं आता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर यस नो में करने हैं। जैसे कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन कर्मचारी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप विधवा तलाकशुदा महिला न्यायिक रूप से अलग हुई महिला है और पुनः विवाहित नहीं है, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी हो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पर डालनी है। और इसको डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद जो भी आपकी DOB है यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका ईयर है पहले आपका ईयर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ये आने के बाद आपको नीचे आना है और आप देखोगे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से चूज करनी है। इसको चूज करने के बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। ये फिल करने के बाद एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आती है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम, तो इसमें बेसिकली आपको 10th ही लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना होगा और उसके बाद आपने किस ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा वो आपको डालना है। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल ये हो कि मेरे नंबर CGPA के अंदर है, तो आपको अपने CGPA को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर अपनी परसेंटेज लिखनी होगी। अब आपको 12th की जानकारी देनी है तो आपको यहां पर पहले 12th लिखना है, उसके बाद आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है और आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहां पर आपको डाल देनी है और आपका जो मार्कशीट नंबर है वो क्या है वो यहां पर आपको लिखना होगा। ये लिखने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने नीचे आती है क्वालिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर सिलेक्ट करके इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहां से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आपको देना है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में इसको मैं फुल फॉर्म में लिख लूंगा। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पूरा देना होगा। इसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर आपको यहां पर लिख देना है और अपनी परसेंटेज यहां पर सभी सेमेस्टर की एंटर कर देनी है और इसको एंटर करने के बाद यहां पर आपकी परसेंटेज जो थी वो सॉरी जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है फाइनल ईयर की मार्कशीट का फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। यह एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे आपके सामने जो डिप्लोमा है अगर आप इसकी जानकारी दे रहे हो और आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आपको सेम तरीके से जानकारी भर देनी है। फिर आती है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हो बेसिकली इस पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम फिलअप करना है जहां पर आपने काम किया है, पूरा नाम यहाँ पर लिखिएगा, कब से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो डेट ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो चूज करना है, यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद डे, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। कब तक आपने काम किया था वो डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर चूज करना है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपने अभी ये डेट भरी है। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि आपके काम का प्रकार किस तरह का था वो आपको यहाँ पर अपनी कुछ जो ड्यूटीज़ है वो लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास किसी और डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी
कंपनी का नाम यहाँ पर देकर के बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भर देनी है। ये करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर आना है और जानकारी आपके सामने दी गई है, जैसे कि आपको बोला है कि क्या आपके पास स्टोर और अकाउंट्स को संभालने या केंद्र या राज्य या वैधानिक या स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बेसिकली आपको ये रीड करनी है। उसके बाद आपको बोला कि जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, क्या आपके पास है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। ये करने के बाद नीचे आपसे अगला सवाल पूछा है, आपको इसका आंसर करना होगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। फिर नीचे आपके सामने क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए किसी अदालत ने दोषी ठहराया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो पैलेस है यहाँ पर आपने किस सिटी से फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम देना है और जो आपके सामने कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको सेव एंड एडिट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे कि यू कैन एडिट और रिव्यू योर फील्ड डिटेल बिफोर फाइनल सबमिट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि फाइनल सबमिट से पहले जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आप यहाँ पर रिव्यू और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद अगर आप कोई चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि योर ऑनलाइन इनिशियल रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर्ड यूजर का जो लिंक है वो देखने को मिल पा रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉग इन का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है मेल मैसेज के माध्यम से वो डालना है, जो पासवर्ड आपको मिला है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। लॉग इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर स्टेप टू अपलोड इमेजेस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों जो आपके फोटो का साइज है वो 40 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और साथ ही आपको बोला कि फोटो 3 महीने के भीतर होनी चाहिए और तिथि नीचे लिखी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का आपका फोटो होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपका फोटो इस प्रकार से आ जाएगा, जिस पर आपको आपके नीचे की तरफ जो डेट है, मंथ है और ईयर है वो लिखना होगा कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है। फिर दोस्तों यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगा फोटोग्राफ कैप्चर डेट, यानी कि किस डेट में आपने फोटो को कैप्चर किया है, वो डेट आपको यहां पर फोटो के ऊपर तो लिखनी ही है, साथ ही आपको यहां पर भी सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए यहां से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना फोटो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 से 25 केबी के बीच में रहना चाहिए, तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर नीचे दोस्तों अपलोड आईडी प्रूफ, यानी कि जो आईडी आपने सिलेक्ट की थी वो आईडी आपको यहां पर अपलोड करनी है, तो जहां पर भी आपकी आईडी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहां पर आपको एक रैंडम आईडी ही अपलोड करके दिखाने वाला हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। आपकी आईडी इस प्रकार से यहां पर आ जाएगी। फिर आती है 10th की जो मार्कशीट है, फिर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड करना है। तो चलिए हम यहां से आपका सर्टिफिकेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहां से इस प्रकार से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर सेम तरीके से यहां पर आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है मेन क्वालिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर नीचे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अब ये सब करने के बाद आपको नीचे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू हैव अपलोडेड इमेजेस सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप 3 पेमेंट प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर काफी विकल्प दिए हैं फीस को जमा करने के, जैसे कि पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो जिस माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हो यहां पर कर दीजिए। करने के बाद जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको यहां पर आना है और फिर आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर एमईएस ड्राफ्ट्समैन एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा कि कैसे फिलअप करना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है और आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है फॉर्म को फिल करने में तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड जैसे कि मैंने कि अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।